पंजाब के लुधियाना में एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी हाईवे के करीब लगी हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड ने 3:30 बजे के करीब ये देखा कि एक लेडी अपनी स्कूटी पर एक 3 साल के बच्चे को बैठाकर एक ऐसे सुनसान रास्ते पर ले जा रही है जहां पर अक्सर कोई नहीं जाता। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को हैरत इस बात पर हुई कि जब 15 से 20 मिनट बाद वही लेडी सेम स्कूटी के साथ उस जगह से वापस लौटी तो गार्ड ने देखा कि उसके साथ वो 3 साल की बच्ची नहीं थी जो उसके आगे खड़ी हुई थी। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ता है। वो 40 से 50 मीटर तक देखता है, बच्चे के पैरों के निशान दिख रहे थे, लेकिन इसके बाद बच्चों के पैरों के निशान गायब हो गए। सिक्योरिटी गार्ड दोबारा से उस जगह से लौट जाता है, लेकिन शायद सिक्योरिटी गार्ड को ये नहीं पता था कि उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि उसके वक्त पर पहुंच जाने की वजह से ही उस बच्ची को बचाया जा सकता था। लुधियाना के शिमलापुरी में हरप्रीत सिंह की फैमिली में उसके पिता, वाइफ और 2 बच्चे रहते थे। इसके बच्चों में एक बेटा अमरप्रीत सिंह और बेटी दिलरोज थी। 28 नवंबर 2021 दिलरोज अपने रूटीन की तरह हर दोपहर बच्चों के साथ बाहर खेला करती थी। जब दोपहर को कुछ वक्त हो गया और दिलरोज घर नहीं आई तो उसकी माँ उसे बाहर ढूंढने के लिए जाती है। जब वो बाहर दिलरोज को ढूंढती है तो दिलरोज उसे वहाँ नहीं मिलती। वो घबरा जाती है, उन सारे बच्चों के घर जाकर दिलरोज के बारे में पता करती है जिनके साथ वो खेला करती थी। सब लोगों ने यही कहा कि दिलरोज हमारे साथ खेल तो रही थी लेकिन वो कहाँ गई हमें ये नहीं पता। जब दिलरोज को ढूंढते ढूंढते काफी वक्त बीत गया तो दिलरोज की माँ ने फौरन ही अपने हस्बैंड हरप्रीत सिंह को इसके बारे में बताया। हरप्रीत सिंह लुधियाना में एक पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर थे। हरप्रीत सिंह ने इस मामले की सीरियसनेस को समझते हुए फौरन ही सारे करीब की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस को एक फुटेज हाथ लगती है। ये फुटेज थी एक लेडी की जो अपने साथ एक छोटी बच्ची को आगे बैठा कर ले जा रही थी। हरप्रीत सिंह ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो आगे बैठी हुई बच्ची है ये इसकी बेटी दिलरोज ही है। स्कूटी चलाती हुई ये लेडी अपने आगे दिलरोज को बैठा कर किसी हाईवे की तरफ जा रही है। अब पुलिस ने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि दिलरोज को कोई तो भी लेडी अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले जा रही है, लेकिन हरप्रीत और पुलिस टीम को हैरानी उस वक्त हुई जब वो हरप्रीत के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लेडी हरप्रीत के घर में ही बैठी हुई है और सारे लोगों के साथ मिलकर वो दिलरोज को ढूंढ रही है। इस लेडी का नाम नीलम था जो 2:20 पर दिलरोज को अपनी स्कूटी पर ले जाते हुए दिखी थी। इस नीलम के छोटे लड़के से जब पूछा गया कि क्या तुम्हारी माँ को तुमने दिलरोज को ले जाते हुए देखा तो इसके छोटे लड़के ने भी हामी भरी। उसने कहा कि मैंने अपनी माँ को दिलरोज को ले जाते हुए देखा था। दिलरोज के पिता हरप्रीत ने सबसे पहले तो नीलम को कॉल पर पूछा कि क्या तुम दिलरोज को लेकर अपने साथ कहीं पर गई थी, तो नीलम ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्योंकि नीलम इस पूरे केस की प्राइम सस्पेक्ट थी, इस वजह से नीलम को अरेस्ट किया गया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में अचानक ही नीलम कहती है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिलरोज के पास लेकर चलती हूँ। अब नीलम पुलिस की कार में बैठकर शिमलापुरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर जाकर पहुंचती है। ये एक कच्चा रास्ता था। कच्चे रास्ते पर अभी पुलिस थोड़ी दूर ही चली थी कि नीलम उनको रोककर एक जगह पर इशारा करती है। पुलिस जब उस जगह पर देखती है तो वहां पर उन्हें एक ताजा गड्ढा नजर आता है। ये गड्ढा देखने पर ऐसा मालूम होता था कि इसे ताजा ताजा अभी खोदा गया हो। पुलिस उस रास्ते की जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को ये भी समझ में आता है कि इस जगह पर एक छोटी बच्ची के जूते के निशान भी मौजूद है और ये निशान किसी और के नहीं थे बल्कि दिलरोज के जूते के थे। जैसे ही नीलम ने उस जगह पर इशारा किया, हरप्रीत दौड़ता हुआ उस गड्ढे पर पहुंचा और वो जल्दी जल्दी से गड्ढे से मिट्टी हटाने लगा। अभी वो मिट्टी को हटा ही रहा था कि थोड़ी ही देर बाद उसका हाथ उसकी खुद की बेटी दिलरोज के हाथ पर टच होता है। नीलम ने दिलरोज को जिंदा ही गड्ढे के अंदर दफन कर दिया था। हरप्रीत जल्दी जल्दी मिट्टी को हटाता है। वो दिलरोज को मिस मिट्टी से निकालता है और अपने सीने से लगाता है। सबसे पहले वो दिलरोज के सीने पर हाथ रखकर चेक करता है। वो देखता है कि दिलरोज की बॉडी अभी भी गर्म है और उसकी सांसें अभी भी चल रही है। फौरन ही दिलरोज को पुलिस की गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, लेकिन अफसोस के रास्ते में ले जाते वक्त ही दिलरोज अपनी आखिरी सांसें लेती है और इस दुनिया को अलविदा कहती है।
वो गार्ड जो हाईवे के करीब खड़ा हुआ था वो पुलिस को देखकर पुलिस के पास आता है। वो कहता है कि मैंने इस लेडी को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा था और ये जिस वक्त वापस गई इसके साथ कोई भी बच्ची नहीं थी। मैं इस जगह पर चेक करने के लिए भी आया, मैं थोड़ी दूर गया लेकिन मैं आगे ना बढ़ पाया। छोटी बच्ची को इस तरह से क्यों मारेगी? अगर हरप्रीत सिंह की फैमिली की बात की जाए तो हरप्रीत लुधियाना में एक पुलिस कांस्टेबल थे जिसकी वजह से उनकी फैमिली कंडीशन काफी अच्छी थी। नीलम का डिवोर्स हो चुका था और ये अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहा करती थी। नीलम के जो दोनों बच्चे थे वो काफी ही शरारती थे, वो बहुत मस्ती किया करते थे जिसकी वजह से अक्सर पड़ोसियों की शिकायत आया करती थी। लेकिन वहीं पर हरप्रीत के दोनों बच्चे काफी समझदार थे और पड़ोसी इन दोनों बच्चों की काफी तारीफ किया करते थे और इन दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद करते थे। इसके अलावा नीलम के घर में देर रात कई अनजान लोग आया करते थे जिसकी वजह से समाज में नीलम को एक कैरेक्टरलेस औरत के तौर पर देखा जाता था। कंटिन्यू अपने बच्चों की शिकायतें सुनकर और हरप्रीत के बच्चों की तारीफ सुनकर नीलम को जलन होने लगी थी। इन सारी चीजों से तंग आकर नीलम ने यह सोचा कि अब वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह घर लेकर वहां रहेगी। नीलम ने घर देखा, उसे घर मिल भी गया। 28 नवंबर 2021 को नीलम ने घर छोड़ने के लिए अपना सारा सामान रेडी कर लिया था। जब वो घर के बाहर निकली तो उसने देखा कि दिलरोज खेल रही है। उसने अपनी स्कूटी निकाली। उसी वक्त उसके दिल में दिलरोज को लेकर जलन और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा कि क्यों ना वो इस जगह को छोड़कर जा रही है तो दिलरोज को ठिकाने ही लगा दिया जाए, जिसकी वजह से उसके बच्चों को बहुत ही बात सुनाई जाती थी। उसने दिलरोज को बहला फुसला कर अपनी गाड़ी पर बैठाया और शिमलापुरी से 25 किलोमीटर